नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय बस्ती का यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती में अपर जिलाधिकारी रमेश चंद ने दो पहिया वाहन पर यात्रा करने के नियम जारी किए हैं। एक आदेश में एडीएम बस्ती ने कहा कि दो पहिया वाहनों की पिछली सीट पर यात्रा करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि पहली बार ऐसा करते पकड़े जाने पर ₹250, दूसरी बार अगर ऐसा ही हुआ तो ₹500, और अगर तीसरी बार भी हुआ तो ₹1000। अगर इसके बाद भी नहीं मानते हैं तो लाइसेंस निरस्त किए जाने या निलंबित किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। एडीएम के आदेश में कहा गया है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर अति आवश्यक परिस्थिति में दो पहिया वाहन पर दो व्यक्ति उस दशा में यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ ही हेलमेट घर से बाहर सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क गमछा रुमाल दुपट्टा या स्कार्फ न पहनने पर या थूकने पर पहली और दूसरी बार ₹100 जुर्माना और फिर तीसरी बार या उसके बाद भी ऐसा जारी रखने पर ₹500 जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही अगर किसी स्वास्थ्य कर्मी पर कोई हमला या महामारी के दौरान किसी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया तो दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें, और अगर यूट्यूब चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और यह खबर सब तक पहुंचाएं कि किसी पर भी जुर्माना या फिर कोई ऐसा गलत काम ना करें। धन्यवाद।